हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी इन स्टाइल विद मिर्चा। दोस्तों, करवा चौथ आने वाली है और बहुत सारी तैयारियां चल रही करवा चौथ से रिलेटेड। मैंने भी कई सारे मेकअप वीडियोस एंड हेयर स्टाइल वीडियोस शूट किए हैं और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि करवा चौथ में कैसे रेडी होना है, कैसा हेयर स्टाइल बनाना है। बट आज का जो वीडियो है वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए ये मेकअप वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कि ऑफिस जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं, टीचर्स हैं लेडीज और उनको स्कूल जाना होता है। बच्चों की करवा चौथ का स्पेशल डे है तो हमें सारा दिन ही स्पेशल देखना बनता है, तो बहुत ही ज्यादा लाउड ना हो और ऐसा हो कि कुछ स्पेशल उनको दिखाए उस दिन के लिए और बहुत ज्यादा भड़कीला सा भी ना हो। और अगर आप टीचर हैं या फिर ऑफिस गोइंग है तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे अपना स्किन केयर, तो इसके लिए मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं यूज करने जा रही हूँ क्लोविया बोटानिका का ये प्योर रोज वाटर। आप इसकी जगह कोई सा भी टोनर यूज कर सकते हैं अपने फेस पर अप्लाई करने के लिए। और जैसे कि मॉर्निंग का टाइम होता है, जिनको ऑफिस या कॉलेज या स्कूल जाना होता है उनके पास टाइम नहीं होता है, तो इसके लिए मैं ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आप जल्दी से कर सकते हो। बट ये स्किन केयर की कुछ चीजें हैं जिनको हमें करना जरूरी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत कीजिएगा। इससे आपका जो स्किन है वो भी ग्लोइंग रहेगी और जो आपका मेकअप बेस बनेगा वो भी काफी अच्छा, आपका स्मूथ एंड लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है करवा चौथ के दिन लोगों की छुट्टी होती हो, बट इसके लिए मैंने स्पेशली अपने बेटे का एल्मनैक चेक किया और उसमें मैंने देखा कि करवा चौथ की कोई भी छुट्टी नहीं है। अच्छे से ये आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए जब टोनर। उसके बाद हम अपने फेस पर सिरम अप्लाई करेंगे और सिरम मैं यूज कर रही हूँ ये ममा अर्थ का फ्लावर्स ऑफ एसेंस यूथ सिरम। तो ये अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है मेरी स्किन के अंदर। और आपके यहाँ किस तरीके के कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिलता है? अगर ऐसा कुछ होता हो आप सबके यहाँ ऑफिस में या फिर स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या स्पेशल आपके यहाँ हुआ करवा चौथ के दिन। तो ये अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है जो सिरम है। इसके बाद मैं यूज करूंगी फेस क्रीम। यहाँ पर आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो भी फेस क्रीम सूट करती हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए लॉरियल की ये रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल जेल क्रीम का यूज करने जा रही हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोई हैवी मॉइस्चराइजर या फिर फेस क्रीम का यूज कर सकते हैं। लोगों को लगता तो होगा कि जो है जो ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं कि आज के दिन छुट्टी होनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है जितना ही हम खाली बैठे रहते हैं उतना ही ज्यादा हमें भूख प्यास का एहसास होता है और थकान सी फीलिंग होती है। अगर आप किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो आपको उतनी ज्यादा जो है थकान या भूख का एहसास नहीं होता है, तो अच्छी बात है। और काफी अच्छी बात ये भी होती है कि आपको वहां पर अपने डेली के जो कोलीग्स हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, तो आप थोड़ा सा बिजी हो जाते हो उसमें, तो फिर आपको जो है आपका दिन अच्छे से बीत जाता है और सारी जो है तैयारी कीजिए और फटाफट से दिन निकल जाता है। ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि ऐसा उनको भी लगता हो जो ऑफिस और स्कूल जाते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको कैसा लगता है। आपको लगता है छुट्टी होनी चाहिए या फिर अच्छा लगता है आपको जाना कि उस दिन भी आप जो है वर्किंग डे आपका रहता है, तो क्या आपको कन्वीनियंट लगता है आप मुझे जरूर बता सकते हो। तो ये हो गया यहाँ तक का। अब इसके बाद हम यूज करेंगे फेस पर प्राइमर, तो उसके लिए मैंने लिया मेबलिन फिटमी का ये फेस प्राइमर और ये है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें एक वेरिएंट और आता है जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए होता है, वो यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से पुश करते हुए अपनी स्किन पर लगाना है जिससे कि आपके फेस में कोई भी ओपन पोर्स वगैरह की प्रॉब्लम हो तो भी वो फिल आउट कर देगा और आपका जो बेस बनेगा वो काफी ज्यादा स्मूथ बनेगा। और कोशिश करिए कि इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ करते हुए लगाइए तो जो आपके पोर्स हैं वो अच्छे तरीके से ये फिल कर देगा। और चूंकि आपको काफी टाइम अपने जो है वर्क प्लेस पर बताना होगा तो जो आपका मेकअप है उसको ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी बना देगा। तो यहां तक हो गया। इसके बाद हम आज फाउंडेशन का यूज करेंगे, तो चूंकि जो है काफी ज्यादा देर आपको जो है ऑफिस में या फिर स्कूल में बिताना होगा तो हम एक अच्छे फाउंडेशन का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ लॉरियल का ये इन्फालेबल फाउंडेशन, उसका शेड है 104 और ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए एकदम परफेक्ट जो है फाउंडेशन है।
तो आपके फेस पर किसी भी तरीके का ऑयल वगैरह क्रिएट नहीं करेगा। बट हाँ, ये याद रखना है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको हम ये नहीं लेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हम सीरम भी अप्लाई करेंगे जिससे कि एकदम ये ड्राई ना करे, क्योंकि कई बार ये वाला जो फाउंडेशन है थोड़ा सा ड्राई कर देता है हमारी स्किन को। तो अगर आपके स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तब तो आपको जरूरत नहीं है इसमें सीरम मिलाने की, बट अगर आपकी स्किन थोड़ा सा नॉर्मल है और उसमें ड्राइनेस हो जाती है क्योंकि ये मौसम ऐसा है, तो आप इसमें थोड़ा सा सीरम अप्लाई कर सकते हो। अभी बहुत थोड़े से अमाउंट में लगाना है क्योंकि तो वर्क प्लेस पर हमें जाना है, तो इसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम फाउंडेशन लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में लगाएं, हम हल्का सा लगाएंगे जिससे कि हमें कवरेज भी अच्छा मिलेगा और जो जो है लॉन्ग लास्टिंग जो फाउंडेशन हमें चाहिए वो भी हमें मिलेगा। तो इसको मैं ब्लेंड करूंगी एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो फाउंडेशन अप्लाई करने में तो आप इसकी जगह पर लैक्मे की सीसी क्रीम या फिर आप बीबी क्रीम किसी भी ब्रांड की जो भी आपके पास हो वो आप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर मैंने बहुत ही कम अमाउंट में फाउंडेशन लिया है तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा मेकअप कर रखा है। और करवा चौथ है तो थोड़ा सा अलग दिखना तो बनता है, तो डेली से थोड़ा सा अलग लगेगा तो कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। इसके बाद हम बहुत ही हल्का सा कंसीलर अप्लाई करेंगे। कंसीलर के लिए मैं यहाँ मेबिलिन फिट मी का ये कंसीलर ले रही हूँ जिसका शेड नंबर है 20 सैंड। इसको अपने अंडर आईज पर और थोड़ा सा आईलेट्स पर अप्लाई कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, बहुत थोड़े से अमाउंट में लगाएंगे। तो फटाफट से इसको भी हमने ब्लेंड कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करेंगे, तो यहाँ पर मैंने मेबिलिन फिट मी का ही ये कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, इसका शेड नंबर है नेचुरल आइवरी। तो इसको भी मैं अपने जो डैम ब्यूटी ब्लेंडर है उसी की हेल्प से लगाऊंगी, थोड़ा सा इसको इस तरीके से ले लूंगी। इससे क्या होता है कि बहुत ही सटल सा जो है कॉम्पैक्ट लगता है और ऐसा नहीं लगता है कि आपने भर भर कर लगा लिया है, और सेट भी अच्छे से कर देता है आपके जो बेस मेकअप को। और चूंकि हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अप्लाई करेंगे तो फटाफट से लग भी जाता है, तीनों चीजें ही फाउंडेशन कंसीलर एंड इसको कॉम्पैक्ट पाउडर को हम इससे लगाएंगे तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, फटाफट से ये लग भी जाएगा। बट इसको अपने नेक और ईयर्स पर भी लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो कॉम्पैक्ट हमने अप्लाई कर लिया है, अब इसके बाद फटाफट से आ जाएंगे अपनी आईब्रोज पर। तो आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पर एक आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ, आप जो भी यूज करते हो वो सी आईब्रो पेंसिल आप ले सकते हैं। तो आईब्रोज भी हमने फटाफट से फिल कर ली है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने आईज पर। तो आईज के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये माई ग्लैम ब्रांड से ये आई शेडो पैलेट लिया है जिसका जो वेरिएंट है नूड क्रू, और ये इनके पॉप एक्सो रेंज से आता है। इसका हम लेंगे एक ये जो चॉकलेटी सा शेड है इसको हम लेंगे और इसको हम ऐसे एक फ्लफी ब्रश पर लेंगे और इसको अब हम पूरी अपनी आईलेट्स पर अप्लाई करेंगे, कुछ क्रीज और कुछ ट्रांशन और लिड वगैरह नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा, तो हम इसको अपनी पूरी ही लिड पर अप्लाई करेंगे। तो इसको अपनी पूरी आईलेट्स पर अप्लाई करके और जब आपका जो ब्रश सारा डिपॉजिट कर दे जो आई शेडो है, तब हम इसको ऊपर के साइड में हल्का सा इस तरीके से ट्रांशन की तरफ थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे जिससे कि यहाँ पर कोई भी हार्श लाइन ना दिखाई दे, ऐसे ही हम दोनों आईज कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आप कोई सा भी न्यूड सा शेड या फिर ब्राउन काइंड ऑफ शेड ले सकते हो जो कि बहुत ज्यादा अलग से विजिबल ना हो, और वो लगाने से आपकी आईज सुंदर तो दिखे बट ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज्यादा कुछ अपने आईज पर अप्लाई कर लिया हो, तो ऐसा शेड आप चूज कर सकते हो अगर आपके पास सेम पैलेट नहीं या फिर सेम शेड नहीं है। तो ये हो गया, सिंपल सा था। अभी हम फटाफट से लगाएंगे काजल, क्योंकि आईलाइनर में कई बार टाइम लग जाता है तो यहाँ पर हम काजल को अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर ममा अर्थ का ये कोल और ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसको इस तरीके से लगाएंगे कि हमारी जो अपर एंड लोअर वाटर लाइन दोनों पर ये अप्लाई हो जाए। इसके बाद हमें अप्लाई करना है मस्कारा जो कि मैंने लिया है मार्स का ये फैबुलैश मस्कारा,
और काफी अच्छा ये मस्कारा है, बहुत अच्छे से जो है आपकी आई लैशेस को ये कर्ल कर देता है और आपकी आईज को बिग दिखाता है। तो मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया है और मैं स्टार्टिंग में अपना लिप बाम लगाना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर मोहा का ये लिप बाम लगा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लिक्विड लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ। अगर आप कोई भी बुलेट लिपस्टिक या क्रीमी लिपस्टिक यूज कर रहे हैं तो आपको जो है लिप बाम लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ब्लश। तो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर यह मेबलिन फिट मी का ये ब्लश जो कि है 30 नंबर शेड में और रोज इसका शेड नेम है। तो ब्लश अप्लाई हो चुका है, तो अब मैं यूज करने जा रही हूँ माई ग्लैम की ये लिक्विड लिपस्टिक और इसका शेड नेम है बॉम्ब शेल और बहुत ही अच्छा सा न्यूड शेड है ये, तो दिन के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप चाहो तो आप डार्क शेड भी लगा सकते हो। तो मेकअप हो गया हमारा कंप्लीट। अब इस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ निक्स का ये सेटिंग स्प्रे। आपके पास जो भी मेकअप सेटिंग स्प्रे हो आप उसको यूज कर सकते हैं। Of time.